हेलो भाई नमस्कार, मेरा नाम एडी और आप देख रहे हैं हिलीवुड न्यूज। कुछ भी शुरू करने से पहले हिलीवुड न्यूज को यूट्यूब पे जरूर सपोर्ट करिए, सेम नाम से फेसबुक पे पेज लाइक एंड फॉलो दबा के कीजिएगा। एंड अब करते बॉलीवुड मसाला की बात, क्या कुछ अपडेट्स है, मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ बहुत टाइम की बात। तो मैं क्या जी करते हैं शुरुआत। चलिए सबसे पहले खबर, बॉलीवुड के एक्टर इरफान खान की जो मूवी है अंग्रेजी मीडियम का ट्रेलर आने वाले कल यानी 13 फरवरी को रिलीज होने वाला है। ठीक वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले ही ये ट्रेलर रिलीज होगा, लेकिन उससे पहले एक वीडियो इनका धड़ल्ले से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें जो अपना वॉइस ओवर देते हुए फैन से अपील कर रहे हैं इरफान खान की मूवी देखने जरूर जाना, एंड साथ ही साथ जो है बीमारी के चलते इस मूवी का प्रमोशन नहीं कर पा रहे हैं। यानी इस वीडियो ने तो मतलब मेरा दिल जीत लिया, आई एम श्योर आपका भी जीता होगा। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया में इन दिनों जॉन अब्राहम की अपकमिंग मूवी यानी सत्यमेव जयते 2 को लेकर काफी जो है खबरें उड़ रही है। सुनने में ये भी आया है कि इस मूवी में जॉन अब्राहम सिंगल नहीं डबल नहीं ट्रिपल रोल करेंगे। यानी यार एक इंसान तीन तीन कैरेक्टर्स को कैसे प्ले कर सकता है। लेकिन जो है अपने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान जॉन अब्राहम ने कहा है कि ये डायरेक्टर पर डिपेंड करता है, लेकिन इसके जो कैरेक्टर्स हैं और भी उसके बारे में तलाश जारी है। एंड जब बात पूछी गई कि आप इस मूवी में तीन तीन रोल करने वाले, ट्रिपल रोल करने वाले, इस बात को लेकर उन्होंने कुछ कहा नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। तो सुन लो मेरी बात, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। अब बात करते हैं ऋतिक रोशन की। हाय वॉर मूवी इनकी लास्ट मूवी थी, जिसमें जो है लोगों का दिल जीत लिया, बॉक्स ऑफिस में धांसू कलेक्शन किया भाई साहब इस मूवी में। एंड ऋतिक रोशन सुनने में आ गई बहुत ही जल्द बॉलीवुड की एक और मूवी से एंट्री करने वाले हैं। सुनने में तो मुझे ये भी आया है कि तमिल की जो मूवी है कैथी, इस मूवी का जो हिंदी में रिमेक बनने जा रहा है और ऋतिक रोशन जो है लीड रोल करेंगे। यहाँ तक कि जो है इस मूवी के जो है कास्टिंग की बात करें, क्रू की बात करें, सब कुछ फाइनल हो चुका है। प्रोड्यूसर ने यहाँ तक ये भी कह दिया है कि ये जो मूवी होगी कैथी, इसमें जो है 100% एक्शन होगा, कोई हीरोइन नहीं, कोई गाना नहीं। कैसे यार, ऐसे में मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सलमान खान की जो है मूवी यानी कभी ईद कभी दिवाली अनाउंसमेंट हो चुकी है, आपने सुना होगा। हाय हाय हाय, जब से इस फिल्म का जो है यू नो अनाउंसमेंट हुआ है, तब से जो है फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। इस मूवी में लीड रोल तो सलमान खान करेंगे, लेकिन जो है फीमेल यानी हीरोइन कौन होगी, इस बात को लेकर बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं। तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी साजिद नाडियावाला ने साफ साफ कह दिया है कि इशारों में कि पूजा हेगड़े, जानते हैं हाउसफुल 4 में दिखी थी एक्ट्रेस, ये जो है सलमान खान के साथ काम करेंगी यानी लीड रोल करेंगी। चले यार, सलमान खान की एक और फिल्म आ रही है, बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं बॉलीवुड की स्ट्रगलर यानी क्या नाम है जो संघर्ष करती है, अनन्या पांडे। इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी यानी खाली पीली की शूटिंग में काफ़ी व्यस्त है। इस मूवी में इनके साथ हीरो का किरदार निभाएंगे ईशान खट्टर, शाहिद कपूर के भाई। यार नहीं जानते, धड़क देखिए, जानते हैं, जान गए। एंड सुनने में आया कि अनन्या पांडे इन दिनों इस मूवी के लिए 20-20 घंटे लगातार शूटिंग कर रही है। हाय, ये होती डेडिकेशन है। आगे बढ़ते हैं, राजकुमार राव भाई साहब इन दिनों ये जो यंग यू नो हीरोज है काफ़ी जो है अपनी एक्टिंग से हमारा दिल जीत रहे हैं। एंड राजकुमार राव की बात करें, एक बार फिर से छलांग मार रहे हैं बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी छलांग से। जी हाँ, छलांग मूवी बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है। एक्टिंग की अगर बात करें राजकुमार राव और इनके साथ जो है स्वीटी पता है ये वाली, हाँ इनके साथ ये नज़र आएंगी। एंड ये एक प्रकार की मूवी है कि इस मूवी में राजकुमार राव का जो रोल है एक टीचर का जो है रोल अदा करेंगे। हाय, सरकारी प्राइवेट, खैर ये बात तो बताई नहीं। इसी साल ये मूवी जो है रिलीज़ होगी, इनफैक्ट बहुत ही जल्दी जो है रिलीज़ होगी ये मूवी। तो ये था बॉलीवुड का मसाला। हाय रब्बा, कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स के जरिए बताइएगा। एंड लास्ट में हिलीवुड न्यूज़ को यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें, सेम नाम से फेसबुक पे पेज लाइक एंड फॉलो जो है ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं, नमस्कार।